हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्टिक्स विद आशीष सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, ये हमने एक ग्लास स्लैब मानी है जो कि है PQRS। इस ग्लास स्लैब के अंदर क्योंकि कांच है तो ये सघन माध्यम है, इसके बाहर वायु है जो कि एक विरल माध्यम है। तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश किरण वायु से ग्लास की ओर आपतित होगी, मतलब जो हमारी प्रकाश किरण है वो प्रकाश किरण इस तरह से आपतित होती है। तो इस प्रकाश किरण का जो कि एक ग्लास स्लैब के ऊपर आपतित हुई है, किस प्रकार से अपवर्तन होगा, इसको हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यह है हमारी आपतित किरण। यह किरण इस बिंदु पर आपतित हुई है तो यह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। इस बिंदु पर PQ पृष्ठ पर हम एक अभिलंब बनाते हैं, तो यह हमारा है PQ पर अभिलंब। अभिलंब। अब दोस्तों, अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो यह प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी जाती इस तरह से। अगर इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये बिल्कुल सीधी जाती, बट हमने इसको डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब किस तरह से किया, हमने इसका माध्यम परिवर्तित कर दिया। ये प्रकाश किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब भी एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब की ओर झुककर इस प्रकार से इसका अपवर्तन होगा। तो ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही थी, कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो सीधी जाती, हमने इसको डिस्टर्ब किया, माध्यम को विरल से सघन किया तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अब दोस्तों, इस प्रकाश किरण के लिए इस बिंदु पर फिर से माध्यम परिवर्तन हो रहा है, तो इस बिंदु पर फिर से माध्यम परिवर्तन होगा तो ये आपके लिए आप देख सकते हैं कि यहां वापस से कांच से वो वायु में जाएगी तो फिर से माध्यम परिवर्तन होगा। तो माध्यम परिवर्तन में ये किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, इसको समझने के लिए मुझे इस बिंदु पर फिर से अभिलंब बनाना होगा। तो ये इस पृष्ठ पर अभिलंब बनाए, यहां फिर से एक बार अपवर्तन होगा। अब आप देखिए कि इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो वो इस माध्यम में ऐसे ही चलती रहती, पर हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है, हमने वापस से माध्यम सघन से विरल कर दिया है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो यह प्रकाश किरण इस तरह से जा रही थी, अब हमने माध्यम को चेंज कर दिया, माध्यम हमने कर दिया सघन से विरल तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब है आपका ये ब्लैक वाला, तो इससे दूर हटकर इस तरह से पारित होगी। ये प्रकाश किरण इस तरह से जा रही थी, माध्यम फिर से परिवर्तित हुआ, सघन से विरल हुआ तो यह अभिलंब से दूर हटकर ऐसे पारित हो गई। तो अगर आप नामकरण संस्कार करना चाहें तो ये आपकी आपतित किरण हो गई, इसे आप कहेंगे अपवर्तित किरण और दोस्तों ये कहलाएगी निर्गत किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण अपवर्तन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य कोण निर्गत कोण। तो ये तीन कोणों को हमने परिभाषित किया। अब एक और चीज यहां देख सकते हैं कि अगर ये कोण R है तो फिर ये कोण भी R होगा क्योंकि Z बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर Z बन रहा है, ये रहा Z, तो एकांतर कोण है, ये इस तरह के कोण है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण R है तो इसका एकांतर कोण ये भी R होगा और हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर अगर ये कोण R है तो ये कोण भी R है। वो कैसे बोला हमने, एकांतर कोण है इसलिए बोला। तो ये एकदम बेसिक बात थी। अब दोस्तों, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए आप यहां समझ सकते हैं कि दो जगह अपवर्तन हुआ है। एक अपवर्तन हुआ है PQ पर जहां प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, दूसरा अपवर्तन देखने को मिला है यहां पर RS पर क्योंकि यहां प्रकाश किरण फिर से अपना माध्यम बदल रही है और सघन से विरल में जा रही है। तो क्योंकि दो बार अपवर्तन हुआ है इसलिए हम यहां पर दो बार स्नेल का नियम लगाएंगे। क्योंकि यहां पर दो बार अपवर्तन हुआ है इसलिए हम यहां पर दो बार स्नेल का नियम लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा,
सतह पी क्यू हेतु स्नेल का नियम हम लगाते हैं। अब अगर स्नेल के नियम से देखें तो स्नेल का नियम आप जानते हैं, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन में एन वन। ये स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। अब आज मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू अपॉन एन वन को यूज कैसे करते हैं। दोस्तों इसमें आई होता है आपतन कोण, आर होता है अपवर्तन कोण, एन टू होता है वो माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, और एन वन होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक जहां से प्रकाश किरण आ रही है। अर्थात अगर आप सतह पी क्यू के लिए देखें तो साइन आई आपतन कोण कितना है, आपतन कोण आई है, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना है, आर है, तो साइन आर बराबर वो वाला माध्यम जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। तो प्रकाश किरण किस माध्यम में जा रही है, एन टू में, वो वाला माध्यम ऊपर आएगा, डिवाइड बाय वो वाला माध्यम जहां से प्रकाश किरण आ रही है। तो प्रकाश किरण कहां से आ रही है, एन वन से आ रही है, तो एन वन नीचे आएगा। यहां से आपने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू अपॉन में एन वन। अब यही लगाइए सतह आर एस के लिए, तो सतह आर एस हेतु स्नेल के नियम से साइन अपॉन साइन, साइन आई, आई का मतलब होता है उस सतह पर आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा ये जो आर एस सतह है, इस आर एस सतह के लिए ये वो किरण है जो आ रही है, मतलब आर एस सतह से अपवर्तन के लिए ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण कौन होगा, आर होगा, तो आई की जगह आएगा आर, डिवाइड बाय नीचे आता है अपवर्तन कोण। तो आर एस सतह के लिए अपवर्तित किरण यह है और उसके हिसाब से जो कोण बन रहा है वो ई बन रहा है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इसको तो अपवर्तित किरण कहा था, इस सतह के लिए आप बोल रहे हो ये आपतित किरण है, तो ये दोनों ही बातें सही है। आप समझने की कोशिश करें, पूरे स्लैब के लिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये बाहर जाने वाली निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। परंतु अगर इस सतह की बात की जाए तो इस सतह के अपवर्तन के लिए ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। इस सतह से अपवर्तन के लिए ये वाली आपतित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है इस सतह के लिए। तो स्नेल का नियम लगाने के लिए साइन आर अपॉन साइन ई बराबर, अब ध्यान से सुनिएगा, वो माध्यम जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, तो प्रकाश किरण किस माध्यम में जा रही है, निकल करके एन वन में जा रही है, तो जिसमें प्रकाश किरण जा रही है वो माध्यम ऊपर आएगा, डिवाइड बाय जिसमें से प्रकाश किरण आ रही होती है वो माध्यम नीचे आता है। तो किसमें से प्रकाश किरण आ रही है आर एस से अपवर्तन करवाने के लिए, ग्लास में से आ रही है, ग्लास का क्या है एन टू, तो वो एन टू नीचे आएगा। तो अच्छे से याद रखें, एन टू जहां किरण जाती है वो वाला माध्यम, और एन वन जहां से किरण आती है। ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए। तो जहां किरण जाती है वो एन टू, जहां से किरण आती है वो एन वन। अब इसको पूरा घुमा दीजिए, तो घुमाने पर हो जाएगा साइन ई अपॉन में साइन आर, इसको भी घुमा दीजिए एन टू अपॉन में एन वन। इसको समीकरण एक नाम दीजिए, इसको समीकरण दो नाम दीजिए। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से आपके आर एच एस सेम है, इधर भी एन टू अपॉन एन वन है, इधर भी एन टू अपॉन एन वन है, तो आप एल एच एस को बराबर कर सकते हैं। तो एल एच एस बराबर किया तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन आर के। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन ई अपॉन साइन आर, साइन आर साइन आर कट गया, साइन आई बराबर आ गया साइन ई, और इसका मतलब हुआ आई बराबर ई है, मतलब ये जो कोण आई है ये किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि जब ग्लास स्लैब से अपवर्तन होता है तो ये दोनों कोण आई और ई आपस में क्या होते हैं, बराबर। और दोस्तों अगर ये एंगल आई और अगर ये एंगल ई बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों किरणें भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो एंगल आई का एंगल ई के बराबर होना ये बताता है कि ये वाली किरण आपतित किरण, जिसको मैंने डैश डैश से आगे बढ़ा के दिखाया है, ये आपतित किरण समांतर है किसके, निर्गत किरण के। ठीक है दोस्तों,
तो ये डेरिवेशन जो आपने देखा, उस डेरिवेशन में आपने दो बातें सीखी, एक तो किसी सतह के ऊपर हम स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं, और दूसरा जब भी ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ऐसे केस में आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है और जो आपका आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर आता है। अब दोस्तों इस वीडियो से मैं एक नई चीज शुरू कर रहा हूं। वीडियो खत्म होने के बाद आपको एक स्लाइड दिखेगी और उस स्लाइड के अंदर ये लिखा होगा कि इस चैप्टर में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको आज से नई चीज हमारे वीडियोस में देखने को मिलेगी। तो जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसको लास्ट वाली स्लाइड के अंदर ही देखने को मिलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बता दीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो वो अब से आपको मिलने लगेगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, लास्ट के अंदर आपको स्लाइड मिलेगी जिसके अंदर ये लिखा होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे समझ में आया है। डेरिवेशन बहुत सिंपल था, बस ऐसे याद रखें कि स्नेल के नियम में ऊपर वो वाला माध्यम आता है जहां प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ वो माध्यम आता है जहां प्रकाश किरण जहां से आ रही है। तो यहाँ पे N1 से आ रही थी, N2 में जा रही थी, तो जाने वाला अपॉन आने वाला, इधर N2 से आ रही थी, N1 में जा रही थी, तो जाने वाला अपॉन में आने वाला, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। So guys, thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notifications. Thank you.